तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आ गए हैं आईएसएल की एक और अपडेट, जो कि हम इस वीडियो में दो टीमों के बारे में बात करेंगे, जो कि होंगे ईस्ट बंगाल एफसी और ओडिशा एफसी। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मोर्तादा फॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोर्तादा फॉल आईएसएल के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं, और वो सबसे पहले एफसी गोवा में खेले थे, फिर उसके बाद मुंबई सिटी एफसी में, और इस बार ओडिशा एफसी खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोर्तादा फॉल इससे पहले एफसी गोवा के साथ आईएसएल का खिताब जीत चुके हैं, मुंबई सिटी एफसी के साथ भी आईएसएल का खिताब जीत चुके हैं, और इस सीजन आईएसएल 2023 में ओडिशा एफसी के टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, मोर्तादा फॉल ओडिशा एफसी में साइन हो चुके हैं, ऑफिशियली न्यूज़ है। बता दें कि मोर्तादा फॉल सेंटर बैक डिफेंडर है, जो कि ओडिशा एफसी में इस सीजन खेलेंगे। तो दोस्तों, अब दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि ईस्ट बंगाल एफसी से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी ने अपने 10 से 11 खिलाड़ी को टीम से रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी ने अपने 10 से 11 खिलाड़ी को अपने टीम से रिलीज कर दिया, मतलब वो अगले सीजन दूसरे टीम से खेलते हुए नजर आएंगे ये खिलाड़ी। दोस्तों, खिलाड़ियों के फोटो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है जॉर्डन डोहाटी का, और दूसरा नाम है गोलकीपर शुभम सेन का, तीसरे खिलाड़ी हो गए जेरी लाल जुएंजेला, चौथे खिलाड़ी हो गए सुमित जय पासी, फिर आगे अमरजीत कियाम, नवीन कुमार, एलेक्स लीमा, थैंग हाउ किप, हिमांशु जांगरा और कैरिल हाइरिकॉन। दोस्तों, ये थे खिलाड़ी जो कि इस बंगाल एफसी से रिलीज हो गए हैं, और अगले सीजन कोई नई फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही आईएसएल और क्रिकेट की वीडियो पाने के लिए और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।